वेलकम टू सेल्फ स्टडी। आज इस वीडियो में हम नॉर्मल लॉज के जो सिक्स्थ पार्ट है यानी सिक्स्थ सेशन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले पांच सेशन में डिस्कस कर चुका हूं, उसके अंदर जो फिफ्थ जो सेशन था मैंने बताया था कि हाउ टू टॉक विद अ डॉक्टर, कि कौन कौन से डॉक्टर होते हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, उसी का एक अगला पार्ट है ये पार्ट सिक्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है द स्ट्रेटनेस। द स्ट्रेटनर्स का मतलब होता है जो सीधी, मतलब कोई चीज़ को सीधा करना या करेक्ट करना। अब पहले वाली वीडियो हमने देखा था ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट इज सो कॉल्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो ऑर्थोपेडिस्ट है, ये जो ग्रीक का जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जो ऑर्थो से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है स्ट्रेट करना या करेक्ट करना। क्लियर। और पेडोज का मीनिंग होता है चाइल्ड। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना PAIDOS, इसका मतलब होता है चाइल्ड। इससे रिलेटेड आगे वर्ड भी बनने वाले हैं। देखो ऑर्थो का मतलब हो गया सीधा करना या करेक्ट करना, और पेडियोज का मतलब हो गया चाइल्ड। यानी अब आप इन दोनों को मिला रहे हो, ऑर्थोपेडिस का मतलब होता है बच्चे को सीधा करना, डेफिनेटली आपका मीनिंग यही जाएगा ना। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसका मीनिंग क्या बनता है। द ऑर्थोपेडिस्ट ये एक बंदा होता है, वो स्पेशलिस्ट जो काम करता है। और द ऑर्थोपेडिस्ट बाय एटिमोलॉजी, मतलब इसके शब्द से मतलब बना स्ट्रेटनेस चिल्ड्रन, यानी बच्चे को सीधा करने वाला। क्लियर, इसका मीनिंग तो ये बना। एक्चुअल जो इसका मीनिंग है ना वो ये होता है कि द प्रिवेंशन ऑफ चाइल्डहुड डिसीज एट दैट टाइम द करेक्शन ऑफ स्पाइनल कर्वेचर इन चिल्ड्रन वॉज ए मेन कंसर्न ऑफ प्रैक्टिशनर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। अब क्या था, एक जो स्पाइनल जो हमारी जो हड्डी, मतलब ये हड्डी होती है, कर्वेचर होती है, वो बच्चों की, वो उनको ठीक करने का ये जिम्मा होता था इसका, ऑर्थोपेडिस्ट का, इसलिए ये वर्ड यूज़ होता था। अब ये नहीं है कि कोई बच्चा ऐसे चल रहा है, मतलब कि उसको सीधा, मतलब कोई गलत रास्ते पे चल रहा है उसको सीधा करना, ये फिजिकली रिलेटेड वर्ड है। यानी एक जिसकी स्पाइनल जो है वो ख़राब हो चुकी है उसको ठीक करना। अब ये बच्चे के लिए ही नहीं है, केवल आप सोचो कि ये पेडोज आ गया तो बच्चे, देखिए पेडोज का मीनिंग तो बच्चा बेशक होता है, लेकिन ये केवल ये वर्ड बच्चों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम, ये आज की डेट में सभी एडल्ट के लिए भी। देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑफ एडल्ट एज टुडे दी स्पेशली, यहाँ पे एज वेल एज चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, जो बच्चे हैं उन और जो एडल्ट हैं उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। और सर्जिकल प्रोसीजर होता है इसके लिए, और जो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक, यहाँ पे मैंने इसकी प्रोनंसिएशन भी देखी है। अब आगे ध्यान से देखना, ऑर्थो का मीनिंग पता चला आपको, इसका मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट करना। अब ये देखो डोंटिया का मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया दांत, डेंट हमारे होते हैं ना टीथ, जो ये डोंट जो है वो टीथ को रिप्रेजेंट करता है, प्लस एडोंट्स मतलब होता है टूथ। क्लियर, यहाँ पे ये उसी से बना है, यानी ऑर्थोडोंशिया द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, जो दांतों को जो सीधा करता है। काफ़ी सारे आपने देखा होगा किसी के दांत में ब्रेसल्स, मतलब कि ऐसे लगे हुए होते हैं, तार लगे हुए होते हैं, वो जो काम है ये ऑर्थोडोंशिया करता है। अब ये ऑर्थोडोंटिस्ट होता है दिस स्पेशलाइजेस इम्प्रूविंग योर बाइट, मतलब अगर आप में होता है ना काफ़ी टाइम में वो जाड़ में, यानी अपनी उसमें दर्द हो रहा है, दांत में किसी में दर्द हो रहा है, तो ये सारे काम ये ऑर्थोडोंटिस्ट करते हैं। एडजेक्टिव है ऑर्थोडोंटिक, एडजेक्टिव होगी इसके ऑर्थोडेंटिक। तो हमने इसमें देखा ऑर्थोपेडिस्ट, इस ऑर्थो से ही काफ़ी सारे वर्ड मिल गए, ऑर्थोपेडिस्ट सा, ऑर्थोपेडिस्ट से हमें मिला ऑर्थोपेडिक्स। क्लियर, यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स से फिर ऑर्थोडोंटिया हमें मिल गया, ऑर्थोडोंशिया मतलब ऑर्थोडोंशिया, ऑर्थोडोंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिक हमें ये वर्ड मिल चुके हैं यहाँ से। क्लियर, नेक्स्ट जो है, मैं एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक नॉर्मल लुइस की बुक अपने साथ लेके बैठें। देखिए ये क्या है ना, अब मैंने सोचा कि यार जो प्रैक्टिस जो मैं करवाता था पहले वाली वीडियो में, वो प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि प्रैक्टिस आप खुद करें। मेरा काम है यहाँ कि आपको एक गाइड कर दूँ मैं, वो प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो बेटर रहेगा। तो क्या होगा कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई शीट चाहिए, कहीं कि हमारे पास बुक नहीं है, वो शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जो इसके लिंक है मेरे टेलीग्राम का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फेसबुक का भी मैंने एक लिंक दे रखा है, वहाँ आपकी ज्वाइन, जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको ईजी लगे, जहाँ आप कंफर्टेबल लगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर, तो मैं बेस्ट तरीका तो यही रहेगा कि आप ना अपने लिए एक नॉर्मल लुइस की एक बुक लेके साथ में बैठें, ताकि साथ ही साथ ये सीखते चलें और उसके बाद जैसे प्रैक्टिस हो वो प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें। क्लियर, चलिए फिर
अगला जो है द हार्ट, यानी हार्ट से रिलेटेड हो गया। हमने देखा था पिछली वीडियो, जिसका ही पिछली वीडियो तो इससे पहले टेंस वाली थी, इसके जो जो इसका पार्ट फिफ्थ था उसमें हमने देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो भी ग्रीक वर्ड से बना होता है, जिसका मीनिंग होता है कार्डिया, कार्डिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हार्ट, यानी दिल, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी, दिल चले। लोगोज, ये कार्डिया के साथ एक लोगोज में आती है, जिसका मतलब है साइंस, यानी कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट यानी इसकी दिल की साइंस होगी यहाँ पे। दिस स्पेशलिटी इज कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी होती है इसकी स्पेशलिटी। दी एडजेक्टिव फॉर्म है इसकी कार्डियोलॉजिकल, मैंने इसको कलर करना मैं भूल गया, इसको कार्डियोलॉजिकल। ओके, ज़्यादातर क्या होता है ए एल लगा देते हैं ना हम लास्ट में, तो वो एडजेक्टिव फॉर्म बना देते हैं। अब आप काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे सर ये एडजेक्टिव फॉर्म बनानी जरूरी है? देखो यार, इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए ना केवल रट्टाफिकेशन, आई डोंट थिंक सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़, ये वर्क करेगा आप लोगों के लिए लॉन्ग टाइम के लिए, आई डोंट थिंक सो। जो आपके लिए वर्क करेगा वो मेन चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट उस चीज़ को समझें। एडजेक्टिव है, ये नाउन है, इन चीज़ों के बारे में जब आप जानेंगे, इनका यूज़ करना जानेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छी सी क्लियरिटी आ जाएगी। तो इसलिए मैं कराता रहता हूँ कि ये जो ये इसकी फॉर्म ये एडजेक्टिव है, ताकि आपको कभी आप एडजेक्टिव का भी कोई क्लास में अटेंड करो तो आप पूछ सको, आपको पता चले कि एडजेक्टिव वो चीज़ें समझने में, आपको यहीं फैमिलियर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिर, सो ए कार्डियक, कार्डियक कंडीशन रेफर टू सम मेल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। एक कार्डियक जो होता है इसका मतलब होता है एक दिल में जो होते हैं वो रुकावट एक तरीके से, यानी दिल का सही ढंग से काम ना करना, हार्ट का दिल ढंग से, अब ये दिल का सही ढंग से काम ना करे, दिल सही ढंग से काम ना करेगा ये मतलब थोड़ा ना कि आपको किसी से प्यार हो गया और उस प्यार के चक्कर में आपका मन नहीं लग रहा, आपका दिल थोड़ी बेचैनी सी हो रही है किसी से मिलने की। अरे भाई ऐसे नहीं है, सुन रहा है ना तू, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका मतलब है कि जो आपका दिल है उसमें कोई खराबी, खराबी मीन्स इट्स मीन मतलब कि कुछ रुकावट है, खून ज़्यादा गाढ़ा हो गया है जिससे पास नहीं हो पा रहा है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कार्डिक होती हैं। और कार्डियोग्राम हो गया, कार्डियोग्राम, अब ये क्या होता है कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ, ये रहा, अरे ऊपर कैसे पहुंच गया, हाँ ये दो वर्ड समझना, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम। देखो कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम पहले कार्डियोग्राम कराता हूँ। कार्डियोग्राम क्या होता है, आपके दिल की जो धड़कन होती है ना उसको एक इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करना, उसको इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करना, उसको इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करके उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है, ये कार्डियोग्राम होता है। और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको, जो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस हुआ है उसको शो करना, उस रिजल्ट को शो करना, वो कार्डियोग्राफ होता है, समझ रहे हो ना। कार्डियो देख लेना, ग्राफ यानी जो दिल होता है दिल को ग्राफ पे लेके आने, ये नहीं है कि वो दिल को आपके आपके दिल को ग्राफ, जो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस जो किया गया है वो जो है वो एक तरीके से उस पेपर के ऊपर आ जाता है, वो कार्डियोग्राफ होता है, ये कार्डियो मशीन होती है, कार्डियोग्राफ एक मशीन होती है। कार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस किया जाता है, रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड किया जाता है हार्ट बीट को, क्लियर। यहाँ पे ये तो वर्ड, दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफ, पेपर में आ चुके हैं ये वर्ड। चलिए अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम कैसे, न्यूरोलॉजिस्ट, आपने काफ़ी सारों ने सुना भी होगा इस न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में। ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, न्यूरोन का मतलब होता है नर्व, जो हमारी नसें होती हैं, प्लस इसके फिर लोगोस, फिर वही मीनिंग इसका साइंस है, न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, यानी इसका अध्ययन करना, इसका अध्ययन साइंस यानी अध्ययन करना स्पेशलिटी होती है। एडजेक्टिव है इसकी न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। अब न्यूरोलॉजिया, न्यूरोलॉजिया का मतलब होता है एक एक्यूट पेन, एक बहुत तीखा पेन उठता है आपकी नस के अंदर और उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उसके अंदर, ये जो वर्ड है फिर से वही। देखो न्यूरो का मतलब आपको पता चल गया कि इसका मतलब होता है नसें, ठीक है, नर्व, लेकिन ये एक, ये जो दर्द कहाँ से आया, इस दर्द को ये फिर इसने अलग कराया, ये अलग किया हुआ है एल्गोज, एल्गो मतलब होता है पेन, तो आपको यहाँ से बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो मिल रहा है वो एल्गोज मिल रहा है, क्लियर। यहाँ पे अगला वर्ड जो है इसके बाद है न्यूरिटिस, न्यूरिटिस, न्यूरिटिस होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है एक सूजन आ जाना,
किसी की नस में ज़्यादा सूजन आ जाती है और न्यूरोसिस होता है, एक न्यूरोसिस होता है कंबाइनिंग न्यूरोन विद ओसिस। अब ये जो न्यूरोन है यानी नस को है वो ओसिस के साथ एक सफिक्स है, ये ओसिस जो है एक सफिक्स है, इसको इसके साथ जोड़ा गया तो इसका मतलब बना मीनिंग एबनॉर्मल और डिसीज्ड कंडीशन, यानी एक नस के नसों के अंदर एक अजीब सी कंडीशन, मतलब कहीं कोई समझ लो कि कोई कैंसर के लिए हो गया या फिर कुछ और चीज़ों को लेके हो गया, एक एबनॉर्मल चीज़ हो जाना उसके अंदर। एंड इलनेस करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी, और इसका जो सही मीनिंग है एक ऐसी बीमारी करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव, आप काफ़ी अपनी एनर्जी को अनप्रोडक्टिव वे में यानी जिसका कहाँ यूज़ नहीं है उसमें बिना पर्पज़ के वहाँ लगाए जा रहे हो, एक तरीके से एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है जो आपकी रुकावट करती है आपकी बार बार, मतलब कि आपकी डेली लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी में रुकावट करती है। ए मैन, एक आदमी, जैसे आप इससे समझोगे, ए मैन हु स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, एक आदमी जो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारता है अपनी हेल्थ के बारे में, यानी वो कैसा है, मेरी हेल्थ कैसे, हर दिन कि अपने, पता नहीं वो मूवी कौन सी है जिसके अंदर वो ट्रिपल रोल जो था, सैफ अली खान का ट्रिपल रोल था, इनके जो ट्रिपल देशमुख कौन है वो, देशमुख आई डोंट नो उसका, रितेश देशमुख जिसका भी ट्रिपल रोल था, मुझे बस वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा। उसके अंदर एक जो करेक्टर था वो बार बार, वो पागल था मेंटली, वो बार बार अपने हाथ में सैनिटाइजर का यूज़ करता था क्योंकि उससे कीटाणुओं से नफरत थी, वो बार बार उसको ये लगता था कि जो है बैक्टीरिया जो है वह उसके हाथों पे ना आ जाए, तो एक ऐसी जो मेंटेलिटी है वो ग्रो हो जाना दिमाग में, ये होते हैं न्यूरोसिस। क्लियर है यहाँ पे? एक जाहिर सी बात, अगर ऐसी चीज़ होती है, देखो यहाँ पे लिखा है काउंटिंग हिज मनी, बार बार पैसे गिनना, प्लॉटिंग रिवेंज, बार बार मतलब किसी से बदला लेने के लिए वो प्लान करते रहना, वॉशिंग हिज हैंड्स, यहाँ पे गलत लगा दिया, वॉशिंग हिज, बार बार उसके हैंड अपने हाथ धोना, कैन होप फॉर लिटल इमोशनल ग्रोथ। ये जो चीज़ें होती है ना एक तरीके से एक आपकी पर्सनैलिटी में रुकावट पैदा करती हैं, ये न्यूरोसिस होते हैं। न्यूरोटिक, ये न्यूरोटिक और न्यूरोसिस दोनों ही सेम वर्ड है, कोई मीनिंग में फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है? ये बस लिखा है मैंने, इस बोथ द एडजेक्टिव फॉर्म एंड द टर्म ऑफ फॉर पर्सन सफरिंग, एक ऐसा आदमी जो न्यूरोसिस से गुजरता है वो होता है न्यूरोटिक। क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से समझें, न्यूरोसिस को, न्यूरोसिस को आप कहें, ये नहीं हो सकता कि आप न्यूरोसिस का वर्ड यूज़ करें कि ये एक वर्ड जो है वो पागल के लिए यूज होता है। जो मेन जो वर्ड है पागल के लिए वो यहाँ से आपको पता चलेगा, न्यूरोसिस इज नॉट फॉर्म ऑफ मेंटल अनबैलेंस। न्यूरोसिस न्यूरोसिस एक ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप मेंटल अनबैलेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही एक बंदा ऐसा देखो जो बिल्कुल ही पागल है, बिल्कुल ही सटकी हुई है उसकी, दिल चोट खाया हुआ बंदा है, ठीक है, दिल का हारा वो बंदा है, ऐसे बंदे जो होते हैं ना वो ए फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइकोसिस। साइकोसिस होता है वो एक, अब इससे समझना, ये भी ग्रीक वर्ड से साइकी से लिया गया है जिसका मतलब होता है स्पिरिट। स्पिरिट मतलब आत्मा, सोल हो गया, माइंड हो गया, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, इनसे लिया गया। देखो फिर से ओसिस आ गया, अब ये अभी थोड़ी देर पहले आया मैंने, ओसिस का मतलब एक बीमारी पैदा हो जाना माइंड में या आत्मा में, ये एक बीमारी पैदा हो जाना। अब सोचो माइंड में अगर बीमारी पैदा हो तो नर्व्स के अंदर हो रही थी, नसों के अंदर हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हो रही थी, लेकिन अब जब दिमाग के अंदर ही अगर ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी तो वो बंदा तो डेफिनेटली पागल ही कहलाएगा, फुल ब्लोन यानी पूर्ण रूप से विकसित वो पागल होगा। लेकिन ये न्यूरोसिस को हम पूर्ण रूप से विकसित पागल नहीं कह सकते, ठीक है? तो एट्रियोसाइकोटिक हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, एक सच्चा आशिक, मैं सच्चा आशिक नहीं सच्चा साइकोटिक, ये आशिक ही होते हैं जो अपनी रियलिटी से ना अपना पीछा छुड़ा देते हैं, मतलब उनकी अपनी ही दुनिया होती है, जिए जा रहे हैं अपनी धुन में भैया, उनको कोई लेना देना नहीं होता, वो जैसे होता है अपनी ही अपनी लाइफ जी चुके हैं, अब बस वो मौत का इंतजार कर रहे आशिक आशिकी मैं तेरी। चलिए फिर गाना गा लेते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत माइंड भी फ्रेश हो जाता है, थोड़ा भी अच्छा पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। चलिए, साइकोटिक क्या होता हैज लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, एटलीस्ट विद रियलिटी एज मोस्ट ऑफ अस परसीव, मतलब जो हम समझते हैं जो हमारे लिए जो रियलिटी है वो उनके लिए वो एक तरीके से वो बेकार हो जाती है, वो अपनी ही रियलिटी अपनी ही समझ में वो जीते जाते हैं। तो
नो डाउट, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है. साइकोटिक पीपल हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ रियलिटी. जो साइकोटिक पर्सन होते हैं उनकी अपनी ही एक लाइफ होती है, अपनी ही एक दुनिया होती है. ये जो है साइकी से बना है, साइकी प्लस आइटेरिया. अब ध्यान से समझना, ये साइकी जो का मतलब होता है स्पिरिट या माइंड. एक आइटेरिया का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भी मेडिकल हीलिंग. मेडिकल हीलिंग मतलब कि दवाइयों से ठीक करना या फिर कुछ और चीज़ों से. तो ये बना साइकेट्रिस्ट बाय एटेमोलॉजी. मतलब इसका, इस साइकेट्रिक को अगर हम अलग अलग करके इसको समझें तो इसका मीनिंग बना माइंड हीलर, जो दिमाग को ठीक करते हैं. तो स्पेशलिटी, जो स्पेशलिटी है उसकी साइकेट्री है. एडजेक्टिव है साइकेट्रिक, साइकेट्री, साइकेट्रिक. क्लियर यहाँ पे? अब वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी ये थोड़ी देर पहले आया, पेडियोस आया था थोड़ी देर पहले. अब उसके साथ ही पेडियाट्रिक्स लगा दिया. यू नो इज ऑल्सो बिल्ड फ्रॉम आइटेरिया इज पेडियाट्रिक्स डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट. अब ये हम आने वाले चैप्टर में ही इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपके माइंड में से मैं आपकी आंखों के आगे से एक बार गुजार रहा हूँ. ये आ चुका है ये वर्ड, ठीक है. जेरियाट्रिक, जेरियाट्रिक, ये मैंने फिर से इसको राइट करना भूल गया. जेरियाट्रिक, ठीक है. जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स ये होता है स्पेशलिटी डीलिंग विद, ये जो चीज़ होती है ना, ठीक है. एट्रिक्स मीनिंग हो गया कि मेडिकल हीलिंग. जाहिर सी बात है, जेर का मतलब JER, इसका मतलब यहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ लिखा है, इसका मतलब होता है ओल्ड एज. तो यानी समझ में आया कि JER जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है ओल्ड एज जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी बीमारी को ठीक करने वाले होते हैं, ठीक है. तो इसका मीनिंग हो गया स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट होता है इनको जो ठीक करता है वो जेरियाट्रिशियन होता है, और इसके एडजेक्टिव फॉर्म है जेरियाट्रिक. क्लियर? यहाँ पे ये कुछ एक वर्ड थे. आज देखते हैं कि टोटल हमने कितने वर्ड याद कर लिए, याद क्या मतलब कि इस वीडियो में देख लिए हैं. देखिए पहला जो देखा हमने, ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोडोंटिया जो दांतों को ठीक करने वाला हो गया, ऑर्थोडोंटिस्ट हो गया. क्लियर? ये जो ऑर्थोडोंटिया और ऑर्थोडोंटिस्ट, ये बंदा ठीक, ये एडजेक्टिव फॉर्म होती है. कार्डियोलॉजी होती है कार्डियोलॉजी, अरे कार्डियोलॉजिकल एडजेक्टिव फॉर्म होती है. कार्डियक एक बीमारी होती है शरीर में, दिल के मेलफेक्शन कहते हैं. कार्डियोग्राम और कार्डियोग्राफी मैंने आपको कराया था. कार्डियोग्राम वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस होता है, और ये कार्डियोग्राफ इसको शो करता है, ये मशीन होती है. न्यूरोलॉजी, नर्व का अध्ययन करना, इन नसों का अध्ययन करना. न्यूरोलॉजिकल, ये एक एडजेक्टिव फॉर्म होती है. न्यूरोलॉजिया, न्यूरेटिस, ये एक इन्फ्लेशन होती है, यानी सूजन आ जाती है. न्यूरोसिस, एक पागलपन ये कह सकते हैं. न्यूरोटिक, ये इसी की फॉर्म को कहते हैं. साइकोसिस, पूर्ण रूप से विकसित कहते हैं. साइकोटिक, एक बंदा होता है, ठीक है, जो पागल होता है. साइकेट्री, साइकेट्री जो ठीक करने वाला होता है, साइकेट्रिक होता है. इसकी एडजेक्टिव फॉर्म जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिशियन, जेरियाट्रिक, जो बूढ़े लोगों की बीमारी को ठीक करता है. क्लियर? यहाँ पे हमने टोटल आज 23 वर्ड्स इसमें देख लिया. और मैं फिर से कहूँगा, अगर आप लोगों ने वीडियो देख लिया, चलो अच्छी बात है. प्रेफर करो कि आप ना वो बुक रेड एंड माउंटेन की वो बुक अपने पास रखो. अगर नहीं रख सकते चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो देख रहे हो, ये वर्ड्स ही यहाँ पे लिख लो. और इसके बाद देखो, अब कहोगे कि सर हिंदी में मीनिंग, देखो यार अब इंग्लिश में, इंग्लिश का आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश आएंगे, ना कि इंग्लिश टू हिंदी आएंगे. तो प्रेफर करो जितना हो सके उसे इंग्लिश में ही याद करने का. मैंने इसके मीनिंग पहले पीछे दे चुका हूँ मैं, मतलब इसमें देखा होगा कि आपने क्या है वो. अब आप खुद अपने नोट्स बनाइए, ये वर्ड्स लिखिए, वर्ड्स मैं दे चुका हूँ. अपने आप इसके बाद खुद हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिखें, या मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे इंग्लिश में ही लिखें. इस जानबूझ के मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे चीज़ों को समझने में, तो ज़्यादा ही आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उसको याद रखने की. क्लियर? तो बस इतना ही था आज की वीडियो में. आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. तो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है. क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.